एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन ए पी इज 3n+2 रेशियो n+1 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म्स सॉल्यूशन है हमारे पास लेट टू ए पीज विद ए कॉमा डी एंड ए डैश कॉमा डी डैश तो हमारे पास विच इम्प्लाइज फार्मूला लिखेंगे ना हम n बाई टू ब्रैकेट में 2a+n-1d डिवाइड में हम लिखेंगे n बाई टू ब्रैकेट में 2a-n-1d- विच इज़ इक्वल टू 3n+2 डिवाइड में n+1 रेशियो है इसलिए उसको हमने इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया विच इम्प्लाइज 2a+n-1d डिवाइड में 2a-n-1d- क्योंकि ऊपर वाला n बाई टू नीचे वाले n बाई टू से कैंसिल हो गया था इसलिए वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा इक्वल्स टू 3n+2 डिवाइड में n+1 इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म्स अब 8th टर्म की रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम उसको कैसे लिखेंगे मतलब a8 डिवाइड में a-8 इक्वल्स टू a8 को हम लिख सकते हैं a+7d डिवाइड में a8- को लिख सकते हैं a-+7d वी विल पुट n इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट 2a+n की जगह पे आएगा 15-1 ब्रैकेट क्लोज d डिवाइड में 2a-15-1d- इक्वल्स टू 3 जहाँ पे हमारे पास क्या होगा n वहाँ पे हम पुट करेंगे 15 मतलब 3 15+2 डिवाइड में 15+1 विच इम्प्लाइज 2a+15-1 कितने हुए 14d डिवाइड में 2a-14d- विच इज़ इक्वल टू 47 डिवाइड में 16 ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a+7d डिवाइड से भी 2 कॉमन लेंगे तो आएगा a-+7d- इक्वल टू 47 डिवाइड में 16 ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गए हमारे पास आंसर में आया a+7d डिवाइड में a-+7d- इक्वल्स टू 47 डिवाइड में 16 अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल